इधर गोहाना रैली में कांग्रेस पर बरसे सीएम नायब सैनी, हमने भाई भतीजावाद क्षेत्रवाद खत्म किया है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल का हिसाब दे, हरियाणा में दुकान बनकर रह गई है कांग्रेस, ये मुख्यमंत्री ने कहा। सीएम ने यह भी कहा कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे, कमल की सरकार ने कमाल किया है, ये मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोहाना में आज प्रधानमंत्री पहुंचे, उस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद रहे। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि हमने क्षेत्र में भाई भतीजावाद को खत्म किया है, कांग्रेस अपने कार्यकाल का हिसाब दे, हरियाणा में दुकान बनकर रह गई है कांग्रेस, एक बार फिर से बीजेपी की जीत का दावा करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नायब सैनी। उन्होंने कहा कमल की सरकार ने कमाल किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 सालों में हरियाणा के हर वर्ग का, हर व्यक्ति का जो विकास हुआ है वह डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ है। और डबल इंजन की ताकत क्या होती है हरियाणा आज अच्छी तरह से जानता है। आपने खेलो इंडिया की शुरुआत की और हरियाणा देश के लिए मेडल लाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह सब डबल इंजन की ताकत का कमाल है, यह कमल की सरकार का कमाल है जो हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से बनी है। तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर हरियाणा आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलता रहेगा। किसानों को लूटने वाली देश में अगर कोई एक पार्टी है तो वो कांग्रेस है। हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक लूट का गुआ है। चुनाव आने पर किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाले कांग्रेस पार्टी और बापू बेटे से कुछ सवाल पूछे हुए चुनौती देता हूं कि वे इसका जवाब दें। आज भाजपा ने हरियाणा को सभी 24 फसलें आपके आशीर्वाद से MSP पर खरीदने का, भाइयों पहला राज्य देश का ये बना है। कांग्रेस बताए आपके 60-70 सालों में कितने किसानों की फसल आपने MSP पर खरीदी है। हरियाणा में कांग्रेस अब केवल पार्टी नहीं, दुकान